वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भांसी और बचेली के बीच नक्सलियों ने पैसेंजर ट्रेन को डिरेल कर दिया है, जहां इंजन समेत एक डिब्बे को पटरी से गिरा दिया गया है। वहीं पैसेंजर ट्रेन में 30 यात्री सवार थे। घटना की सूचना के बाद डीआरजी की टीम घटना के मौके पर पहुंची है और सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। वहीं नक्सलियों ने यात्रियों को 26 अप्रैल को भारत बंद के पर्चे दिए हैं और इन्हीं पर्चों को ट्रेन में भी चस्पा कर दिया है। खड़े हैं ग्राउंड जीरो पे। जी हाँ, मैं बता दूं, ये वही जगह है जहां पे कल नक्सलियों ने अपनी कायराना कारतूत को दिखाने के लिए जो है एक ट्रेन को डिले किया था। जी बता दूं, ये यात्री ट्रेन थी और विशाखापट्टनम को, किरंदुल से विशाखापट्टनम को जाने वाली ये ट्रेन थी। मैं आपको ये बताऊं कि ये वही ट्रेन है जो इस समय एक बड़ा वरदान टाइप का जो है साबित हो रही है। सारे और साधन जो है अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए बंद है। नक्सलियों ने कल इस ट्रेन को यहाँ पे डिले किया था। देख सकते हैं किस प्रकार से एक पुल पे आकर के ट्रेन जो है ब्रेक हुई थी। और कहा जा सकता है और ये सत्य भी है कि अगर कोई बड़ा हादसा, अगर ये ट्रेन इतनी भारी अगर गिर जाती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता और ये मार्ग भी बहुत समय के ये बाधित हो जाता है। ये एक सिंगल मात्र ऐसा मार्ग है, केके लाइन इसको बोलते हैं, बड़ी लंबी रेलवे ट्रैक है ये जो विशाखापट्टनम से किरंदुल को सीधे जोड़ती है। इस ट्रेन में यात्री भी थे और यात्रियों के भी कहीं ना कहीं जान पे बनी हुई थी। इस प्रकार से नक्सलियों की ऐसी उपस्थिति 26 तारीख को लेकर के जो है बनी हुई थी। ये 26 तारीख को नक्सलियों ने एक बंद की घोषणा की हुई है और ये ऐसी हरकत करके ये दिखाना चाहते हैं कि उनके बंद के समय में किसी भी ऐसे काम को अंजाम न दिया जाए। रेलवे के जो कर्मचारीगण हैं और जो हमारे सुरक्षा बल हैं, इनको जैसे ही सूचना मिली कि ऐसी जो है स्थिति बनी हुई है, ऐसा हादसा हुआ है, उन्होंने अपनी मुस्तैदी दिखाई और रात्रि से ही, मैं बताऊं कल रात्रि से ही यहां पर जमे हुए हैं। ये खाई का क्षेत्र देख सकते हैं आप, हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं डटे हुए हैं कल रात्रि से ही। और जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो बिल्कुल अपनी जो है जो कर्तव्य का जो है पालन और निष्ठा है उसके लिए कल रात्रि से ही मुस्तैद हैं और इस ट्रैक को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं और कर भी रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से ये भारी सी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है और एक बड़ा हादसा जो हो सकता था। और मैं बताऊं कि इस प्रकार से जो इन्होंने ये हरकतें की हैं, कहीं ना कहीं लोगों को अपनी उपस्थिति दिखाने का जो है ये काम लगातार करते चले जा रहे हैं। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज, ग्राउंड जीरो।